हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह है लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस। यह जो टॉपिक है वो है अनकन्वेंशनल मशीनिंग का एक टाइप्स है, जिसमें सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले आप मेरे कुछ वीडियो और भी डाल चुका हूँ मैं इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहां पर देखेंगे लेजर बीम टॉपिक लिखा, उसके जस्ट बगल में एक उल्टा एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करते ही देखेंगे नीचे सारे आपको लिंक मिल जाएगी सारी वीडियो की इस टॉपिक से रिलेटेड। इस जो भी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अभी तक जो भी वीडियो डाले हुए, तो वहां पर डायरेक्ट लिंक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इसको हम, ये जो लेजर बीम मशीनिंग इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम बताते हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस एक ऐसी मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें हम कुछ एनर्जी का यूज करके मटेरियल को रिमूव करते हैं, क्योंकि इसका यूज हम हार्ड या ब्रिटल मटेरियल को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें हम टूल का वर्कपीस से कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो थोड़ा सा खींचने पर या फोर्स लगाने पर टूट जाते हैं। जो हार्ड ब्रिटल जैसे ग्लास मटेरियल होता है, इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं जिसमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती, मतलब इनको खींचा नहीं जा सकता है और पीट पीट कर इनको दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें एनर्जी का यूज करते हैं। इसमें मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी है, इस तरह की थर्मल एनर्जी है, इन सब एनर्जियों का यूज करके हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। इसी का एक टाइप है लेजर बीम मशीन। लेजर मीन्स होता है लाइट, लेजर क्या होता है मीन्स लाइट होता है, मतलब लाइट का यूज करके, उसके बीम का यूज करके हम क्या करेंगे मटेरियल को रिमूव करेंगे। मशीनिंग मीन्स होता है मटेरियल को रिमूव करना, तो लेजर मीन्स लाइट। अब लेजर का कुछ फुल फॉर्म होता है मैं बता देता हूँ, लाइट एम्पलीफिकेशन सिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। क्या होता है लाइट एम्पलीफिकेशन सिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, ये होता है लेजर का फुल फॉर्म। अब लेजर बीम कैसे काम करती है, इसका प्रिंसिपल क्या, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। लेजर बीम क्या है, एक थर्मल मशीनिंग प्रोसेस है। थर्मल मशीनिंग प्रोसेस क्या होती है, थर्मल मतलब हीट को जनरेट करके या मटेरियल को मेल्ट करके वेपराइज करके क्या करती है मटेरियल को रिमूव करती है। अब इसमें क्या रहता है, मैं इसकी जो वर्किंग है और प्रिंसिपल है उसमें सारी क्लियर करूंगा सारी डाउट। तो फ्रेंड्स, वर्किंग प्रिंसिपल बताने से पहले डेफिनेशन है हिंदी इंग्लिश में, जिसमें आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, इसके बाद जब वर्किंग लिखेंगे तो वहां पर आप डायग्राम बनाएंगे और उसकी वर्किंग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्किंग लिखी हुई है। सबसे पहले मैं वर्किंग समझा देता हूँ, पार्ट समझा देता हूँ, उसके कौन कौन से पार्ट यूज करते हैं, इनका यूज क्या है। तो 1, 2, 3 पॉइंट लेके इनको आप पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ्लैश लैंप दिख रहे हैं दो येलो कलर की, इसको आप जब डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्मल लाइन डायग्राम है। ये दोनों ही किसी ना किसी पावर से सप्लाई जाती है, क्या होती है पावर से कनेक्ट रहती है। जब पावर सप्लाई करेंगे तो पावर कहाँ जाएगा, इन दोनों फ्लैश लाइट की ओर जाएगा। ये जो फ्लैश लाइट है, ये जियोन लैंप्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जियोन लैंप्स भी बोलते हैं, यह जियोन लैंप से बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, दोनों में पावर सप्लाई की जाती है। ये पावर सप्लाई करते हैं तो ये जो एनर्जी को रिफ्लेक्ट, जो एनर्जी, ये जो फ्लैश लैंप है, ये एनर्जी जो लेजर ट्यूब बीच में लगी हुई, क्या लगी हुई लेजर ट्यूब, तो फ्रेंड्स ये फ्लैश लैंप का काम है सिर्फ ओनली लाइट को ट्रांसफर करना। ये जो अपनी लाइट को ट्रांसफर या फिर एनर्जी को ट्रांसफर कहां करते हैं, लेजर ट्यूब। ये जो लेजर ट्यूब है या रूबी क्रिस्टल की होती है, या फिर किसी गैसियस फॉर्म में भी हो सकती है या सेमी फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं तो उसमें रूबी क्रिस्टल का यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर क्या भरते हैं, गैस, कोई ना कोई गैस रहती है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट में CO2 है ना, या कोई अदर गैस भी भर सकते हैं। जैसे ही इसको हम लाइट सप्लाई करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसकी पावर जो सप्लाई करेंगे इस दोनों फ्लैश लैंप के अंदर, तो क्या होंगे, वो दोनों ही लाइट को ट्रांसफर करेंगे किसकी, तो रूबी क्रिस्टल के अंदर। रूबी क्रिस्टल के अंदर जो भी गैस होती है उसके आयंस क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, उसमें एनर्जी एब्जर्व करते हैं और वो तेजी के साथ क्या करते हैं, जो उनका एनर्जी लेवल लो होता है वह क्या होता है हाई एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मतलब उसका एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्या एक्साइटेड होंगे, एनर्जी लेके एक्साइटेड होंगे तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल मीन्स मतलब इधर उधर भागने लगते हैं। जब इधर उधर भागेंगे तो यहाँ पर एक टोटल रिफ्लेक्टर लगा रहता है, ऊपर दिख रहा है यहाँ पर एक टोटल रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जो कि जो हमारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स हैं उसको बाहर नहीं जाने देता।
उनको उस एनर्जी को बाहर नहीं आया था, तो उस एनर्जी को कहाँ, जब यहाँ से टोटल रिफ्लेक्टर है बाहर नहीं जाएगा तो नीचे की ओर रिफ्लेक्ट हो गई, जब नीचे की ओर रिफ्लेक्ट होंगे तो यहाँ पर देख रहा है एक रिफ्लेक्टर यहाँ पर भी लग रहा था, लेकिन उसको पार्शियली रिफ्लेक्टर बोलते, क्या बोलते हैं, पार्शियली रिफ्लेक्टर बोलते हैं। तो पार्शियली रिफ्लेक्टर मतलब टोटल रिफ्लेक्टर नहीं है, क्या होगा यहाँ से एनर्जी को क्या करेगा आगे की ओर सप्लाई करता, मतलब आगे यहाँ से एनर्जी निकलना बाहर स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर एनर्जी बाहर निकलेगी डायरेक्ट हम क्या लगाते थे यहाँ पर एक लेंस लगा देते हैं, कहाँ पर एक लेंस, तो डायरेक्ट कहाँ पर एनर्जी गिरेगी या टकराएगी, कहाँ पर टकराएगी, सीधा लेंस पर टकराएगी। लेंस का काम होता है कहीं ना कहीं फोकस कराना, तो जहां पर भी हम फोकस करके रखते हैं लेंस को वहां पर सीधा जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होगी डायरेक्ट कहाँ, जिस वर्कपीस पे या जिस स्पॉट पे हम एनर्जी को भेजना चाहते हैं वहां पर डायरेक्ट टकराएगी। डायरेक्ट टकराएगी तो क्या होगा, मटेरियल जो हमारा जो भी वर्कपीस है उसको हीट करेगी, मतलब उसको गर्म करेगी, थर्मल एनर्जी क्रिएट करेगी, तब वो गर्म हो जाएगा तो क्या होगा वहां से मेल्टिंग और वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहां पर मटेरियल पिघलेगा और वेपोराइज होकर क्या होगा हमारा मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह एक वर्किंग प्रोसेस होती है। अब इसके तीन पॉइंट के साथ मैंने सारे पॉइंट डिस्कशन किए, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में बताने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड जैसे भी मैं आगे बता चुका हूँ, जैसे लिख रहा है जो जो हमारे मटेरियल्स होते हैं जो लेजर बीम होती है वह डायरेक्ट क्या होती है हमारे जो जो हमारे फोकस लेंस उस पर डायरेक्ट जाती है। जैसे यहाँ पर फोकस लेंस है जहाँ डायरेक्ट टकराती है, वहां से फोकस लेंस क्या करता है डायरेक्ट किसी वर्कपीस पे क्या करता है इम्पाइनिंग मीन्स होता है टकराता है, सीधा जाके अटैक करता है स्ट्राइक करता है, तो वहां पर क्या होता है वो गर्म होने लगता है, गर्म होते हैं क्या मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट होता है। तो ये भी पॉइंट है, आपको जो भी मैं समझा चुका हूँ पॉइंट उसी में लिखे हुए हैं, उसी भाषा में आप हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। इसके बाद हम सीधा हम इसके एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाऊंगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं इसकी वर्किंग प्रोसेस जिससे आपको मतलब कोई भी डाउट क्लियर ना हो। सबसे पहले हम बता दें यहां पर जो दो फ्लैश लैंप लगी हुई है, तो फ्रेंड ये दोनों जो भी फ्लैश लैंप लगी हैं तो इनको क्या करते हैं सबसे पहले हम पावर सप्लाई करते हैं। तो यह है जो जो फ्लैश लैंप होती है अपनी जो लाइट है वो ट्रांसफर करती है लेजर ट्यूब को। लेजर ट्यूब के अंदर क्या भरी जाती है, गैस भरी जाती है। जब ये हम जो जो लाइट एनर्जी के रूप में जो हमारे ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे उससे क्या होगा जो हमारी गैस उसके जो पार्टिकल्स है वह एनर्जी प्राप्त करेंगे, एनर्जी प्राप्त करेंगे तो उस टाइम जब एनर्जी प्राप्त करेंगे इसका जो एनर्जी लेवल लो होगा, उससे जब एनर्जी पाकर क्या होंगे उसका लेवल बढ़ने लगेगा धीमे धीमे। जब बढ़ेगा धीमे तो इतना एक्साइट हो जाएंगे इसके जो पार्टिकल्स हैं गैस के एनर्जी पाकर की वो इधर उधर भागने लगेंगे, तो ऊपर नीचे की ओर भागने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक टोटल रिफ्लेक्टर लगा रहता है। टोटल रिफ्लेक्टर मतलब कोई भी आयंस को किसी भी पार्टिकल को किसी भी एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता, जो क्या करेगा डायरेक्ट तो नीचे की ओर आएंगे सारे जो हमारी पार्टिकल्स है वो नीचे की ओर आएंगे। वो नीचे की ओर जब आएंगे तो यहाँ पर क्या रहता है एक रिफ्लेक्टर होता है, उसको बोलते पार्शियली रिफ्लेक्टर। क्या होता है पार्शियली रिफ्लेक्टर जो क्या करता है पार्शियली मतलब फुली नहीं होता, तो वो क्या करेगा वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगी नीचे की ओर। तो नीचे की ओर एनर्जी ट्रांसफर होगी तो नीचे हम क्या लगाते हैं कि लेंस लगाते थे। लेंस का काम होता है किसी जगह हम जब फोकस कराते हैं किसी भी लाइट को तो वहां पर वो डायरेक्ट फोकस कर सकती है पर्टिकुलर जगह। तो यहाँ पर जिस जगह जिस स्पॉट पे हम मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं वहां पर डायरेक्ट इसको स्ट्राइक कराते हैं इमिटिंग कराते हैं, तो वहां पर इस लेंस के थ्रू हम जिस भी स्पॉट पर मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं वहां पर इसको डायरेक्ट जो हमारी लेजर बीम है या जो हमारी एनर्जी है वो डायरेक्ट क्या करती है स्ट्राइक करती है अटैक करती है। तो वहां पर क्या होता है जो हमारा वर्कपीस उस जगह गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो थर्मल में जब कन्वर्ट हो जाता है मतलब हीट होना स्टार्ट होगा, तो वो मेल्ट होगा, मेल्ट होगा वेपोराइज होगा, उससे हमारा क्या होता है मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वर्किंग प्रोसेस थी उसके पार्ट्स थे। अब मैं इसकी सीधे एप्लीकेशन पर चलता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन लिखी हुई है। सबसे पहले क्या है इसका जो स्मॉल ड्रिल करने के लिए मतलब होल करने के लिए स्मॉल डायमीटर लगभग 0.005 mm तक का कर सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है और सेरेमिक मटेरियल है। इसका जो ड्रिलिंग और कटिंग जो दोनों ही मटेरियल में कर सकते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं दोनों ही टाइप्स के मटेरियल में इसका यूज कर सकते हैं ड्रिलिंग के लिए और कटिंग के लिए। नेक्स्ट है इसको जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा जहां पर टूल जो रहता है नहीं पहुंच सकता हो, कितने भी कॉम्प्लेक्स जो हमारे पार्ट्स होते हैं वहां पर भी इसके ड्रिलिंग और कटिंग की जा सकती है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं।
तो फ्रेंड्स इसकी कुछ एडवांटेज है, जैसे क्या आता है ये सभी टाइप के मटेरियल को कट कर सकता है। इसमें जो जो मटेरियल जो लास्ट में फिनिशिंग मटेरियल फिनिशिंग पार्ट होता है उसमें एक्स्ट्रा जो सरफेस को फिनिश करने की मतलब सरफेस को फिनिशिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी निकलता फाइनल पार्ट निकलता है। इसके अलावा इसमें कोई भी टूल का टियर वियर नहीं होता क्योंकि टूल को यूज ही नहीं करते। इसमें माइक्रो हॉल को करेक्ट तरीके से सही तरीके से अपन हॉल कर सकते हैं। इसमें हार्ड से हार्ड मटेरियल को कि लेजर बीम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, हॉल कर सकते हैं। हाई एक्यूरेसी जो भी हमारे पास मटेरियल पीस प्राप्त होते हैं, जो भी हमारा मटेरियल से जो भी हम वर्क करते हैं कटिंग या ड्रिलिंग, वो अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्राप्त होते हैं और जो इसको इजीली मतलब ऑटोमेटिक या फ्लेक्सिबल तरीके से आराम से चलाया जा सकता है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे इसकी सबसे पहले कॉस्ट क्या रहती है, हाई रहती है। इसमें जो ब्लाइंड हॉल होते हैं उनको हम हॉल नहीं कर सकते उस टाइप के हॉल, और जो सेफ्टी पर्पज से लेजर बीम थोड़ी सी हमारे लिए सही नहीं होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो आपको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।